सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब का स्वागत है पंजाबी क्लास चैनल दे विच। सो दोस्तों, असी एक सीरीज़ शुरू की हुई है दसवीं जमात के विद्यार्थियों के लिए। उन्हां दी जिहड़ी इंग्लिश दी मेन कोर्स बुक है, उहदे जिन्ने भी चैप्टर हन असी सारे वारो वारी सॉल्व करके लैके आने हाँ। जिहड़े ऑलरेडी पहलां तों साडे नाल जुड़े हुए हैं उन्हां नूं इस सीरीज़ का पता है, तो वह ऑलरेडी पहलियां चार वीडियो देख चुके हैं। सो जिहड़े विद्यार्थी इस वीडियो ने अज पहली बार देख रहे हैं, सो वो पहली वीडियो नू देखने दे लई हेठा डिस्क्रिप्शन बॉक्स च लिंक दिता गया है, उन्होंने लिए वो क्लिक करके पहलियां चार वीडियो देख सकते हैं। तो इस तो बाद वाले चैप्टर भी जेकर तुसीं देखना चाहते हो, सो दोस्तों असी लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, तो उस चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लियो, ठीक है जी। सो आने वाले दिनों बायमंथली पेपर शुरू होने वाले हैं, सो वो भी असी इतने थोड़े लिए लैके आवेंगे सॉल्व करके, ठीक है जी। सो दोस्तों, ये हुण इहदे विच खासियत की है, ये जिहड़ी असी सीरीज शुरू की है, सो जिहड़े पहली बार देख रहे उन्होंने दस दईए कि ये सीरीज़ के जिने भी क्वेश्चन आंसर हैं सारे असी उन्हों का पंजाबी दे विच अनुवाद करके लैके आए हाँ, यानी कि पंजाबी च ट्रांसलेशन करके लैके आए हाँ। क्योंकि कई बार कुछ अजिहे वर्ड होंदे हन जां अजिहे क्वेश्चन होंदे हन जिहड़े इंग्लिश पढ़ के समझ विच नहीं आउंदे हन, सो असी उन्हां नूं फिर पंजाबी दे विच समझना सौखा हो जाता है। सो असी इस तरह जिन्ने भी क्वेश्चन हैं जिन्ने भी आंसर हैं सारे पंजाबी दे विच अनुवाद किया होया लैके आए हाँ, ठीक है जी। सो दोस्तों, एक छोटी जानकारी होर देना चाहते हाँ। सो जेकर तुसीं इस पेपर नूं, इस चैप्टर नूं, इस तो पहला वाले चैप्टर नूं और इस तो बाद वाले चैप्टरां नूं आराम नाल बैठ के डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो, तो साड़ी वैबसाइट है www.thepunjabiclass.com। तुसीं उत्थे चले जाना है, उत्थे दसवीं क्लास का सैक्शन बनया है होया है, उत्थे चौथे नंबर की ऑप्शन तुसीं सिलैक्ट करनी है इंग्लिश चैप्टर, उत्थे सारे सारे चैप्टर तुहानूं मिल जाणगे, तुसीं आराम नाल बैठ के डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है जी। सो अज असीं शुरू करते हैं इस चैप्टर नूं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं इंग्लिश चैप्टर नंबर 5, ए गिफ्ट फॉर क्रिसमस। सो बच्चों, सीधे क्वेश्चन आंसर करांगे, लैसन असी नहीं पढ़ते हाँ क्योंकि असी ऑलरेडी कई वीडियो कह चुके हाँ, क्योंकि क्लास के लैसन पढ़ ही लेंगे हो, पर जेकर फिर भी तुम चाहते असी लैसन की समरी एक्सप्लेन करिए तो सानू कमेंट जरूर कर दिओ, असी अगली वीडियो के भी कर देंगे। सो पहला क्वेश्चन है, वाई वाज डेला क्राइंग, डेला क्यों रो रही सी। आंसर, डेला वॉज क्राइंग बिकॉज शी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर हसबेंड। डेला रो रही सी क्योंकि उस कोल अपने पति लई क्रिसमस का तोहफा देने लई पैसे नहीं सन। सो बच्चे, उम्मीद है ये नाल जिहदा पंजाबी की हुई है तुहानू क्वेश्चन ते आंसर दोनों आसानी दे विच समझ आ गए होणगे, ठीक है जी। नंबर 2, डिस्क्राइब द पॉवर्टी ऑफ डेला साउस, डेला दे घर की गरीबी का वर्णन करो। आंसर, द हाउस वॉज समॉल, द सोफा वॉज समॉल, देयर क्लोथ्स वर ओल्ड। घर छोटा सी, सोफा भी छोटा सी, उन्हां दे कपड़े पुराने सन। नंबर 3, वट टाइप ऑफ प्रेजेंट हैड डेला प्लैंड फॉर जिम, डेला ने जिम लई किस किस्म दे तोहफे की योजना बनाई सी। आंसर, शी प्लैंड फॉर समथिंग नाइस एंड फाइन फॉर जिम, उसने जिम लई कुछ वधिया ते वधिया करन दी योजना बनाई सी, वधिया या वधिया ते चंगा या वधिया ते सोहना करन दी योजना बनाई सी। नंबर 4, वट वर द टू प्राइज्ड पोसेशंस ऑफ जिम, जिम दियां दो कीमती चीज़ां की सन। आंसर, जिम्स गोल्ड वॉच एंड डेलास लोंग हेयर वर द टू प्राइज्ड पोसेशंस ऑफ जिम, जिम दी सोने दी कड़ी अते डेला दे लंबे वाल जिम दियां दो कीमती चीज़ां सन। नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रेजेंट डेला बॉट फॉर जिम, जिम लई डेला वल्लों खरीदे तोहफे का वर्णन करो। आंसर, शी बॉट अ प्लैटिनम वॉच चेन फॉर जिम, उसने जिम लई प्लैटिनम वॉच चेन खरीदी। नंबर 6, हाउ डिड डेला मैनेज टू बाय द गिफ्ट, डेला ने तोहफा किस तरह खरीदया। आंसर, शी सोल्ड हर हेयर टू बाय द गिफ्ट, उसने तोहफा खरीदने लिए अपने वाल वेच दते। नंबर 7, वाई डिड डेला थिंक वैन शी लुकड एट हर सैल्फ इन द मिरर, जो उसने अपने आप को शीशे में देखा तो डेला ने की सोचा। आंसर, शी फेल्ट नर्वस वैन शी लुकड एट हर सैल्फ इन द मिरर, जो उसने अपने आप को शीशे में देखा तो वह घबरा गई। नंबर 8, वट वॉज जिम्स रिएक्शन ऑन सीइंग डेलाज हेयर गॉन, डेला के सिर ते वाल ना देख के जिम की की प्रतिक्रिया सी। आंसर, ही सिंपली लुकड एट हर विद अ स्ट्रेंज एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, उसने बस उसके चेहरे ते अजीब हाव भाव नाल उस वल देखा। नंबर 9, वट एक्सप्लेनेशन डिड डेला गिव टू जिम फॉर गैटिंग हर
हेयर कट। डेला ने जिम नूं अपने वाल कट्टण लई की स्पष्टीकरण दिता? आंसर, शी सैड शी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय प्रेजेंट फॉर हिम। उसने कहा उसके कोल उसके लिए तोहफे खरीदने लई इन्ने पैसे नहीं सन। नंबर 10, वट वॉज इन द पैकेज डैड जिम हैड ब्रॉट फॉर डेला। उस पैकेज विच की सी जो जिम डेला लई लियाई सी? आंसर, ए सैट ऑफ कॉम्स वॉज इन द पैकेज। कंघी का एक सैट पैकेज विच सी। नंबर 11, हाउ हैड जिम मैनेज टू ब्रिंग द प्रेजेंट फॉर डेला। जिम ने डेला लई तोहफा किवें लिया? आंसर, ही सोल्ड हिज गोल्ड वॉच टू बाय द प्रेजेंट फॉर डेला। उसने डेला लई तोहफा लियाउण लई अपनी सोने की घड़ी वेच दिती। सो ये सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हुण लोंग आंसर टाइप करांगे। सो बच्चों, सानू उम्मीद है थानू इस तरह पढ़न दे विच आसानी हो रही होवेगी। जे हो रही है तो सानू कमेंट करके जरूर दसना, ठीक है जी। सो हुण करदे हां लोंग आंसर क्वेश्चन। नंबर 1, एक्सपेंसिज हैज़ बिन ग्रेटर दैन शी हैड कैलकुलेटड वाई। खर्चे उसके हिसाब नाल वध सन किवें? आंसर, डेला वॉन्टिड टू बाय अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर हसबेंड। शी हैड बिन सेविंग फॉर सैवरल मंथ बट शी कुड सेव ओनली $1.87। शी कुड नॉट सेव मोर बिकॉज एक्सपेंसिज हैज़ बिन ग्रेटर दैन शी हैड कैलकुलेटड। डेला अपने पति लई क्रिसमस तोहफा खरीदना चाहती सी। वह कई महीनों तो बचत कर रही सी पर वह सिर्फ $1.70 बचा सकी। वह ज़्यादा बचत नहीं कर सकती सी क्योंकि खर्चे उसके हिसाब नालों ज़्यादा सन। नंबर 2, डिस्क्राइब द इंसीडेंस ऑफ डेलाज सैलिंग हर हेयर इन योर आउन वर्ड। डेला द्वारा अपने वाल वेचन की घटना का अपने शब्दों में वर्णन करो। आंसर, डेला वॉन्टिड टू बाय अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर आर हसबेंड बट शी डिड नॉट हैव इनफ मनी फॉर डैट। शी हैड बिन सेविंग फॉर सैवरल मंथ बट शी कुड ओनली सेव $1.80। शी सोल्ड हर हेयर टू बाय अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर हसबेंड। डेला अपने पति लई क्रिसमस तोहफा खरीदना चाहती सी पर उस कोल इस लई लोड़ींदे पैसे नहीं सन। वह कई महीनों तो बचत कर रही सी पर वह सिर्फ $1.70 बचा सकी। इसलिए उसने अपने पति लई क्रिसमस तोहफा खरीदने लई अपने वाल वेच दिते। नंबर 3, वाई वॉज डेला प्लीज्ड विद हर सिलैक्शन फॉर द प्रेजेंट फॉर जिम। डेला जिम लई अपने तोहफे की चोण तो खुश क्यों सी? आंसर, डेला वॉन्टिड टू बाय अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर हसबेंड। शी हैड प्लैन फॉर समथिंग नाइस एंड फाइन फॉर जिम। शी सर्च द होल टाउन। शी फाउंड अ प्लैटिनम चेन फॉर जिम्स गोल्ड वॉच। इट वॉज सिंपल बट वैल मेड। डेला अपने पति लई क्रिसमस तोहफा खरीदना चाहती सी। उसने जिम लई कुछ वधिया अते चंगा करन दी योजना बनाई सी। उसने पूरे शहर की तलाशी लई। उसने जिम दी सोने की घड़ी लई एक प्लैटिनम चेन लभी। यह साधारण पर चंगी तरह बनाया गया सी। इसनूं साधारण पर चंगी तरह बनाया गया सी। अगे नंबर 4 प्रश्न, वाई डज द स्टोरी राइटर कॉल जिम्स अ पुअर फैलो। कहानीकार जिम नूं गरीब साथी क्यों कहिंदा है? आंसर, जिम वॉज ओनली 20 ईयर ओल्ड। हिज इनकम वॉज वेरी स्मॉल। ही अर्नड ओनली $20 अ वीक। द रेंट ऑफ द हाउस वॉज $8 अ वीक। द हाउस वॉज इन पुअर कंडीशन सो द स्टोरी राइटर कॉल जिम्स आ पुअर फैलो। जिम सिर्फ 20 साल का सी। उसकी आमदन बहुत घट सी। वह हफ्ते विच सिर्फ $20 कमाता सी। घर का किराया $8 हफ्ते का सी। घर की हालत माड़ी सी। इसलिए कहानीकार जिम नूं एक गरीब साथी कहता है। नंबर 5, वट डू यू थिंक अबाउट द एक्सप्रैशन इन जिम साइज। वॉज इट शॉकड सरप्राइज और एंगर वाए। जिम दियां अखां विच प्रगटावे बारे तुसी की सोचते हो? कि यह एक सदमा सी, हैरानी सी या गुस्सा सी, क्यों? आंसर, डेला सोल्ड हर हेयर टू बाय अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर हर हसबेंड। वैन जिम केम होम ही सिंपली लुकड एट हर विद अ स्ट्रेंज एक्सप्रैशन ऑन हिज फेस। इट वॉज नॉट शॉक सरप्राइज और एंगर। डेला ने अपनी पति लई क्रिसमस का तोहफा खरीदने लई अपने वाल वेच दिते। जदों जिम घर आया
उसने बस उसके चेहरे ते अजीब हाव भाव नाल उस वल देखिया। उस विच ना कोई सदमा हैरानी या गुस्सा नहीं सी। नंबर छे, बोथ ऑफ देम गेव ईच अदर द गिफ्ट फॉर अ रेयर लव, हाउ एक्सप्लेन। दोवां ने एक दूजे नूं दुर्लभ प्यार दा तोहफा दिता, किवें समझाओ। आंसर, जिम्स गोल्ड वॉच एंड डैलस लोंग हेयर वर द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन देयर हाउस। डैला सोल्ड हर हेयर टू बाय अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर जिम, जिम सोल्ड हिज वॉच टू बाय अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर डैला। दस बोज ऑफ दैम गेव ईच अदर द गिफ्ट ऑफ ट्रू लव। जिम ने सोने की घड़ी और डैला ने लंबे वाल उन्होंने घर दिया दो सब तो कीमती चीज़ा सन। डैला ने जिम लिए क्रिसमस का तोहफा खरीदने लिए अपने वाल बेच दते। जिम ने डैला लिए क्रिसमस का तोहफा खरीदने लिए अपनी घड़ी बेच दिती। इस तरह दोवां ने एक दूजे को सच्चे प्यार दियां दातां दित्तियां या तोहफे दिते। सो ये सी इस तो इलावा जे तुसी इस लैसन दे नाल जुड़े हुए ट्रांसलेशन इंग्लिश टू पंजाबी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये सारे के सारे करना चाहते हो तो साड़ी वैबसाइट है, उत्थे ऑलरेडी दिते हुए हैं। वैबसाइट है www.thepunjabiclass.com। तुसी जाओगे वह जो मेन होम पेज हों उत्थे उपर लिखा होएगा 10th क्लास का सैक्शन, वह जाना है, क्लिक करोंगे। चौथे नंबर पर होएगा 10th चैप्टर, उत्ते क्लिक करोंगे, सारे चैप्टर थोड़े सामने आ जाएंगे। जिहड़ा भी चैप्टर थानू चाहिए है आराम नाल बैठ के तुसी पढ़ सकते हो। सो दोस्तों, असी कोशिश की है थोड़े लिए आसानी करन दी, क्योंकि कई बार कुछ इदा के वर्ड आ जाते हैं इंग्लिश के जेडे समझ नहीं लगते हैं, या कई बार क्वेश्चन इस तरह बनाया हों समझ नहीं आता है। सो पंजाबी दे विच ट्रांसलेशन या अनुवाद होने नाल तुहानू बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। सो दोस्तों, मिलते हैं नवे चैप्टर लैके नवी वीडियो के, तद तक लई धन्यवाद।